नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, पिछले सत्र में हमने कॉलरिज पर बात की थी, उनके सिद्धांत कल्पना सिद्धांत पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की थी, और आज के सत्र में हम करने वाले हैं बात एक और पाश्चात्य विचारक टी एस इलियट के काव्य सिद्धांतों और उन पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों की। दोस्तों, पिछले एक सत्र में हम पहले ही टी एस इलियट के परंपरा और निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत पर अच्छी बातचीत कर चुके हैं, और उम्मीद करती हूँ कि ये सिद्धांत आपको अच्छी तरह से पहले ही समझ में आ गया होगा। तो अब समय है उस सिद्धांत पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करने की, ताकि वो जो हमने सीखा और समझा था पिछले सत्र में इनके सिद्धांत के विषय में, उसे हम और गहराई से समझ सकें और परीक्षा के लिए अपने आप को अच्छी तरह से, हर तरह से मजबूती से तैयार कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। आज के सत्र का सबसे पहला और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, इंग्लैंड में इलियट की मित्रता किससे हुई? अब प्रश्न ये है कि ये प्रश्न इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि इलियट मूलतः अमेरिकावासी थे और कुछ समय पश्चात अपनी शिक्षा के बाद वे लंदन में आकर रहने लगे, और लंदन में ही उन्होंने अपनी वहीं की सदस्यता ग्रहण कर ली, नागरिकता ग्रहण कर ली, और वहां उनकी मुलाकात हुई, और उस मुलाकात की वजह से उनके साहित्यिक जीवन की, या कहूं कि संपूर्ण दृष्टिकोण और सारी विचारधारा चिंतन धारा की दिशा ही बदल गई। इस दृष्टि से ये प्रश्न बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न पूछा गया है कि इंग्लैंड में इलियट की मित्रता किससे हुई? पहला वर्ड्सवर्थ और कीट्स से, रॉबर्ट फ्रॉस्ट और एजरा पाउंड से, टी ई ह्यूम और एजरा पाउंड से, और कीट्स और रॉबर्ट फ्रॉस्ट से। तो दोस्तों, एक बात तो हम सभी को साहित्य के विद्यार्थी होने के नाते ध्यान में रखनी चाहिए कि वर्ड्सवर्थ, कीट्स, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, एजरा पाउंड, टी ई ह्यूम, ये सभी अंग्रेजी साहित्य के साहित्यकार हैं, पहली बात। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि इलियट ऐसे किस किन व्यक्तियों से मिले जिनके कारण उनके दिशा ही बदल गई, उनके जीवन में एक क्रांतिकारी बदलाव आया। तो दोस्तों, सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। टी ई ह्यूम और एजरा पाउंड से उनकी मुलाकात हुई। ये दोनों ही साहित्यकार बिंबवादी और प्रतीकवादी साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं। बिंब, आप सभी जानते हैं, साहित्य में जब शब्दों के माध्यम से किसी भी दृश्य को इस तरीके से साकार कर दिया जाता है पाठक के समक्ष, मानो वो उस दृश्य को पढ़ नहीं रहा बल्कि आंखों से देख रहा है, यानी उसका पूरा का पूरा बिंब अंकित हो जाता है, वो उसे कहते हैं बिंब। और उस बिंबवाद के समर्थक जो साहित्यकार थे, उनमें टी ई ह्यूम और एजरा पाउंड का विशेष उल्लेखनीय स्थान है। तो उनकी मुलाकात किससे हुई, इसे भूलना नहीं है, क्योंकि ये उनके जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। टी ई ह्यूम और एजरा पाउंड जो बिंबवादी साहित्यकार थे, उनसे मुलाकात हुई टी एस इलियट की। आंसर हुआ इस प्रश्न का सी। अगला प्रश्न, इलियट के जीवन के संबंध में असत्य कथन है। ए, इलियट के पितामह पितामह यानी दादाजी रेवरेंड ग्रीनलीफ इलियट वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के संस्थापक थे। इलियट के पिता हेनरी बेयर इलियट एक व्यापारी थे और इनकी माता एक कवयित्री थी। सी, इलियट की प्रारंभिक शिक्षा सेंट लुई और उच्च शिक्षा हार्वर्ड में हुई, और डी, हार्वर्ड से बीए की डिग्री लेने के बाद इलियट कुछ समय तक इटली में रहे। इनमें से दोस्तों, ये उनके जीवन के महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनके विषय में हमें जानकारी होनी चाहिए, लेकिन इनमें से एक बिंदु ऐसा है जो असत्य है, यानी उनके जीवन के विषय में सत्य नहीं है, उसे हमें छांटना है। तो पहला बिंदु है, इलियट के पितामह यानी दादा रेवरेंड, जब बहुत अधिक सम्मान किसी व्यक्ति के प्रति प्रदर्शित किया जाता है तो उसे रेवरेंड कहा जाता है अंग्रेजी भाषा में। तो रेवरेंड ग्रीनलीफ इलियट वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के संस्थापक थे, ये कथन बिल्कुल सही है। ये बात क्यों इलियट के जीवन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि वे शिक्षाविदों, शिक्षकों और शिक्षा प्रेमियों के परिवार से थे, पहली बात, जिसका उनके जीवन पर बड़ा गहरा प्रभाव हमें दिखाई देता है। दूसरा है, इलियट के पिता हेनरी बेयर इलियट एक व्यापारी और इनकी माता कवयित्री थी, यानी इनके पिता व्यापार करते थे लेकिन इनकी माता
कवयित्री थी। यानी दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु ये कि जो साहित्यिक प्रतिभा इलियट में हमें दिखाई देती है उस पर उनकी माता का प्रभाव था, यानी वे साहित्यिक संस्कार उन्हें अपनी माता से मिले। सी इलियट की प्रारंभिक शिक्षा सेंट लुई और उच्च शिक्षा हार्वर्ड में हुई। और दोस्तों यहाँ एक बात और मैं याद दिला दूं कि वो ये कि हार्वर्ड से शिक्षा प्राप्त करने के बाद संस्कृत के उस समय के विद्वान लेनमैन से उन्होंने संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की थी, इस बात को हमें भूलना नहीं है। यानी 19वीं 20वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी का अंतिम चरण था, 20वीं शताब्दी का प्रारंभ था, लेकिन संस्कृत की अंतरराष्ट्रीय जगत में बहुत अधिक प्रतिष्ठा थी। और यही कारण है कि इलियट संस्कृत शिक्षा की ओर उन्मुख हुए। हार्वर्ड से बीए की डिग्री लेने के बाद इलियट कुछ समय इटली में रहे, ये कथन असत्य है। दोस्तों वे इटली में नहीं रहे थे बल्कि वे फ्रांस में रहे थे, इस बात को आपको भूलना नहीं है। और फ्रांस में रहने के बाद फिर वे लंदन चले गए और कुछ समय लंदन में रहने के बाद उन्होंने वहाँ की नागरिकता और वहाँ की जो चर्च थी उसकी सदस्यता ग्रहण कर ली और वे स्थायी रूप से इंग्लैंड में ही रहने लगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न, इलियट के साहित्यिक जीवन के विषय में असंगत कथन छांटिए। ए 1917 से 1920 के मध्य प्रकाशित इलियट के कविता संग्रहों ने 20वीं शताब्दी की अंग्रेजी कविता को गति प्रदान की। बी इलियट ने स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तन किया। सी टी ई ह्यूम और एज्रा पाउंड की मित्रता से इलियट के रचनात्मक लेखन में सुधार आया, निखार आया। और डी इलियट की प्रसिद्ध कविता द वेस्टलैंड में एज्रा पाउंड ने संशोधन किया। तो दोस्तों हमको असंगत कथन छांटना है। पहला कथन है 1917 से 1920 के मध्य इलियट के जो कविता संग्रह प्रकाशित हुए उनसे 20वीं शताब्दी की अंग्रेजी कविता को गति मिली। ये कथन बिल्कुल सही है क्योंकि जो काव्य अंग्रेजी काव्यधारा एक अलग दिशा में बह रही थी उसे बिल्कुल भिन्न दिशा में मोड़ दिया इलियट ने। दूसरा है इलियट ने स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तन किया। ये कथन बिल्कुल गलत है क्योंकि दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि इलियट के सिद्धांत का नाम है परंपरा और निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत। यानी इलियट परंपरावाद के समर्थक थे, स्वच्छंदतावाद के विरोधी थे। स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तन किसने किया था पिछले सत्र में हम पढ़ चुके हैं। वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तन किया था। वे परंपराओं के विरोधी थे और नए दृष्टिकोण के समर्थक थे। तो ये कथन इलियट के विषय में पूरी तरह से असंगत है। तीसरा है टी ई ह्यूम और एज्रा पाउंड की मित्रता से इलियट के रचनात्मक लेखन में निखार आया, ये बात भी बिल्कुल सही है, इसकी चर्चा हम कर चुके। डी है इलियट की प्रसिद्ध कविता द वेस्टलैंड में एज्रा पाउंड ने संशोधन किया, ये कथन भी बिल्कुल सही है। दोस्तों सबसे उल्लेखनीय जो कृति है इलियट की वो है ये कविता द वेस्टलैंड, और ये लगभग 5 भागों में विभक्त है और प्रथम विश्व युद्ध के बाद की जो इंग्लैंड की स्थिति है उस पर प्रकाश इसमें डाला गया है। तो जब ये कविता उन्होंने लिखी इलियट ने, क्योंकि उनकी मित्रता टी ई ह्यूम और एज्रा पाउंड से हो चुकी थी इसलिए एज्रा पाउंड ने उनकी इस कविता में संशोधन किया, ये पूरी तरह से सत्य कथन है। तो बी इस कथन का सही उत्तर है क्योंकि ये कथन बिल्कुल असंगत है। तो आंसर हुआ बी। अगला प्रश्न, इलियट की पहली कविता द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉक किस पत्रिका में छपी है। ये अभी तक हमने किस कविता की बात की, द वेस्टलैंड की बात की, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि वेस्टलैंड इलियट की एक महत्वपूर्ण कविता है लेकिन पहली कविता नहीं है। पहली कविता क्या है, द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉक। प्रश्न पूछा गया है कि ये कविता जो उनकी पहली कविता है ये किस पत्रिका में छपी। ऑप्शंस है द बेलमैन, टाइम्स लिटरेरी सप्लीमेंट, सी पोइट्री मैगजीन, डी वर्ल्ड लिटरेचर टुडे। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, पोइट्री मैगजीन में ये कविता प्रकाशित हुई। तो आंसर हुआ हमारा सी। अगला प्रश्न, इलियट की प्रसिद्ध कविता द वेस्टलैंड का प्रकाशन वर्ष है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण कविता इलियट की द वेस्टलैंड ही है। 1919, 1920, 1921 या फिर 1922। तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, द वेस्टलैंड का प्रकाशन हुआ 1922 में। आंसर हुआ डी। अगला प्रश्न,
इलियट को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दोस्तों आप सभी जानते हैं कि नोबेल पुरस्कार अंतरराष्ट्रीय स्तर का वो साहित्यिक पुरस्कार है जो सर्वोच्च माना जाता है, सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान की दृष्टि से नोबेल पुरस्कार अपने आप में उल्लेखनीय है। अब प्रश्न पूछा गया है कि ये नोबेल साहित्यिक पुरस्कार इलियट को किस वर्ष में मिला, 1948, 1940, 1950 या 1945 या 1950? तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। 1948 में, यानी भारत के आजाद होने के एक वर्ष बाद, आपको इस तरीके से ध्यान रखना है, उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आंसर हुआ हमारा ए। अगला प्रश्न, इलियट की द वेस्टलैंड कविता सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? अभी किसी उनकी पहली कविता के इस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, उसके बारे में प्रश्न पूछा गया था। यहां पूछा गया द वेस्टलैंड, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1922, ये कविता इलियट की किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? ऑप्शंस है पोइट्री मैगजीन, द बेलमैन, द क्राइटेरिया, द वर्ल्ड लिटरेचर टुडे। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। द क्राइटेरिया वो पत्रिका है जो 3 महीने में एक बार प्रकाशित होती थी, यानी त्रैमासिक पत्रिका थी, पहली बात। दूसरी बात, इंग्लैंड में फेबर एंड फेबर एक कंपनी थी जिसमें वे निदेशक के पद पर नियुक्त किए गए थे, कौन? इलियट। और उसी उन्हीं के द्वारा ये पत्रिका, इस पत्रिका का संपादन और प्रकाशन शुरू किया गया था, और स्वयं इलियट ने इस पत्रिका में कार्य किया एक संपादक की हैसियत से। तो उनकी द वेस्टलैंड कविता जो है दो द क्राइटेरिया नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, जिसका संपादन वे स्वयं करते थे, और अधिकांश रचनाएं इलियट की इसी पत्रिका में प्रकाशित हुई। ये वो महत्वपूर्ण पत्रिका है जिसने इलियट के साहित्यिक जीवन को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। तो आंसर हुआ हमारा सी। अगला प्रश्न, इलियट की कृतियों से संबंधित असंगत विकल्प छांटिए। ए द सैक्रेड वुड 1920, सेलेक्टेड एसेज 1932, यूज ऑफ पोइट्री एंड क्रिटिसिज्म 1933, द कैंटोस 1933। तो दोस्तों द सैक्रेड वुड जो कृति है इलियट की, उसका प्रकाशन 1920 में हुआ, बिल्कुल सही है। सेलेक्टेड एसेज जो उनकी रचना है वो 1932 में प्रकाशित हुई, ये भी बिल्कुल सही है। यूज ऑफ पोइट्री एंड क्रिटिसिज्म उनकी रचना 1933 में प्रकाशित हुई, ये भी बिल्कुल सही है। असंगत कथन है डी, यानी द कैंटोस 1933। क्यों है ये असंगत कथन? पहली बात तो ये कि द कैंटोस इलियट की रचना है ही नहीं, ये रचना है एज्रा पाउंड की। एज्रा पाउंड जिनसे मित्रता हुई थी इलियट की, उनकी रचना है। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा दोस्तों कि ये रचना द कैंटोस ये एक कविता है और 116 भागों में विभक्त है ये कविता, और इसमें 1915 से लेकर 1962 तक के लंबे समय में कवि ने इसकी रचना की। तो ये एक बहुत ही उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण कविता है, लेकिन क्योंकि प्रश्न है इलियट की कृतियों के विषय में, इसलिए ये असंगत कथन है। तो आंसर हुआ हमारा डी। अगला प्रश्न, इलियट की किस पुस्तक को लिटरेरी हॉक्स अर्थात साहित्यिक धोखाधड़ी कहा गया? द सैक्रेड वुड, द वेस्टलैंड, द कैंटोस, द सेलेक्टेड एसेज। तो दोस्तों द वेस्टलैंड उनकी जो कविता थी उसे साहित्यिक धोखाधड़ी कहा गया। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ आंसर बी, यानी द वेस्टलैंड उनकी जो रचना है उसको लिटरेरी हॉक्स यानी साहित्यिक धोखाधड़ी कहा गया। आगे चले, इलियट के निम्नलिखित मतों में से असंगत कथन कौन सा है? ए इलियट ने अपनी आलोचना को अपनी काव्य कर्मशाला का सह उत्पाद माना, इलियट ने रुचि परिष्कार को काव्य का प्रयोजन माना, इलियट ने कारयित्री तथा भावयित्री प्रतिभाओं को परस्पर भिन्न माना, और इलियट ने एक सर्जक की दृष्टि से आलोचना लिखी। तो दोस्तों इन सब कथनों पर हम बात करते हैं और फिर हम जान जाएंगे कि असंगत कथन कौन सा है। तो इलियट ने अपनी आलोचना को अपनी काव्य कर्मशाला का सह उत्पाद माना, ये कथन बिल्कुल सही है। इस कथन का अर्थ क्या है? इस कथन का अर्थ है कि वे मूलतः स्वयं को कवि मानते थे, तो काव्य सृजन करते करते उनका काव्य कृतियों के प्रति एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण विकसित हुआ। यही कारण है कि वो अपनी आलोचना को यानी आलोचकीय दृष्टि को अपनी काव्य सृजन का सह उत्पाद, बाय प्रोडक्ट मानते थे।
तो ये कथन बिल्कुल सही है। इलियट ने रुचि परिष्कार को काव्य का प्रयोजन माना, ये कथन भी बिल्कुल सही है, यानी रुचि में क्रमशः परिष्कृति आने को का उन्होंने प्रयोजन उद्देश्य माना काव्य का, काव्य के सृजन का, तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। इलियट ने कारयित्री और भावयित्री प्रतिभाओं को परस्पर भिन्न माना। कारयित्री और भावयित्री प्रतिभाएं क्या हैं? कारयित्री प्रतिभा है सृजन करने की क्षमता, भावयित्री प्रतिभा है अनुभूतियों को, किसी भी स्थिति को, भाव को अनुभव करने की क्षमता, यानी अनुभूति। तो इसको, ये कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि इलियट ने कारयित्री और भावयित्री प्रतिभाओं को परस्पर भिन्न नहीं माना, बल्कि परस्पर पूरक माना। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब अगला है, इलियट ने एक सर्जक की दृष्टि से आलोचना लिखी, यानी इलियट ने इस बात पर बल दिया कि काव्य के आलोचना की दृष्टि से कृति महत्वपूर्ण होती है, कवि नहीं। इसलिए क्योंकि वे स्वयं कवि थे, स्वयं सर्जक थे, इसलिए उन्होंने उसी सर्जक के दृष्टिकोण से अपनी आलोचनाएं लिखी या अपने आलोचनात्मक या काव्य शास्त्रीय विचारों को अभिव्यक्त किया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी। शेष तीनों कथन इलियट के विषय में पूरी तरह से सत्य हैं। आगे चलें। इलियट साहित्य में स्वच्छंदतावाद के विरोधी थे। इलियट का मत था कि सच्ची आलोचना तथा परिशंसा का लक्ष्य कवि नहीं काव्य होना चाहिए। उक्त कथनों के विषय में संगत कथन छांटिए। पहला है, दोनों कथन सत्य हैं। बी है, ए सही है और आर गलत है। सी है, ए गलत है और आर सही है। डी, ए और आर दोनों कथन सही हैं तथा एक दूसरे के पूरक हैं। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। हमने अभी चर्चा की कि इलियट साहित्य में स्वच्छंदतावाद के विरोधी थे, क्योंकि वे परंपरा में विश्वास करते थे, तो ये कथन सही है। दूसरा कथन ये है कि सच्ची आलोचना और परिशंसा का लक्ष्य कवि नहीं काव्य होना चाहिए। इसकी चर्चा हमने पिछले प्रश्न में ही की, क्योंकि उन्होंने अपनी आलोचना सर्जक की दृष्टि से की। तो ये दोनों कथन अपने आप में सही हैं और दोनों कथन एक दूसरे की व्याख्या नहीं, बल्कि एक दूसरे को का के भाव को पूरी तरह से अभिव्यक्त करने वाले हैं। इसलिए डी कथन इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ डी। अगला प्रश्न, इलियट ने अपनी विचारधारा में शास्त्रवाद या क्लासिज्म का समर्थन किस अर्थ में किया? परंपराओं के समर्थन के अर्थ में, इस हर प्रकार की प्राचीनता के समर्थन के अर्थ में, प्रौढ़ता के अर्थ में या नैतिकता के अर्थ में? तो दोस्तों, सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। इलियट ने कहा था शास्त्रवाद का समर्थन किया, परंपराओं का समर्थन किया, और शास्त्रवाद का अर्थ वो क्या ग्रहण करते थे? शास्त्रवाद का अर्थ वो ग्रहण करते थे प्रौढ़ता के अर्थ में। और प्रौढ़ता शब्द को उन्होंने किस अर्थ में ग्रहण किया? दो अर्थों में ग्रहण किया, मस्तिष्क की प्रौढ़ता और भाषा की प्रौढ़ता, क्योंकि उनका मानना था कि जब तक मस्तिष्क यानी चिंतन प्रौढ़ नहीं होगा, विकसित नहीं होगा, पूरी चरम स्थिति तक नहीं पहुंचेगा, जब तक भाषा पूरी तरह से विकसित नहीं होगी, तब तक शास्त्रवाद का समर्थन नहीं हो सकता, एक श्रेष्ठ क्लासिकल काव्य कृति रची ही नहीं जा सकती। इसलिए शास्त्रवाद के अंतर्गत उन्होंने दो बातों पर बल दिया, मस्तिष्क की प्रौढ़ता पर और भाषा की प्रौढ़ता पर। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, इलियट साहित्य में परंपरा के समर्थक थे, क्योंकि इलियट का विचार था कि क्लासिक साहित्य की रचना सभ्यता की प्रौढ़ता में ही संभव है। इलियट का मत था कि किसी भी लेखक की भाषा तब तक प्रौढ़ता प्राप्त नहीं कर सकती जब तक कि उसे पूर्ववर्ती लेखकों ने उसकी भूमिका तैयार न की हो। ये उसे नहीं होगा दोस्तों, ये होगा उसके। सी, क्लासिकल साहित्य किसी एक प्रतिभाशाली कवि के प्रयत्नों का नहीं, अपितु तो एक समूची साहित्यिक परंपरा के प्रयत्नों का फल है, प्रतिफल है। डी, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों, डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि इलियट ने साहित्य में परंपरा का जो समर्थन किया उसमें इन तीनों बिंदुओं को महत्वपूर्ण ढंग से स्वीकार किया। तो एक एक बिंदु पर थोड़ी थोड़ी चर्चा करते हैं। इलियट का कहना था कि क्लासिकल साहित्य की रचना सभ्यता की प्रौढ़ता में ही संभव है। देखिए, क्लासिक यानी शास्त्रवाद का समर्थन किस दृष्टि से किया उन्होंने? मस्तिष्क की प्रौढ़ता और भाषा की प्रौढ़ता। और ये मस्तिष्क की प्रौढ़ता कब हमें प्राप्त होगी, यानी चिंतन की प्रौढ़ता हमें कब प्राप्त होगी? जबकि परंपरा से एक प्रौढ़ चिंतन की निरंतर धारा चली आ रही है।
तो मस्तिष्क की प्रौढ़ता, एकदम से परंपराओं से कटकर कोई भी व्यक्ति प्रौढ़ चिंतन को प्राप्त नहीं कर सकता, मस्तिष्क की प्रौढ़ता को प्राप्त नहीं कर सकता। दूसरी बात, भाषा भी विकास की एक क्रमिक प्रक्रिया के बाद ही परिष्कार के चरम बिंदु तक पहुंचती है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि क्लासिक साहित्य कब रचा जाएगा, जब साहित्य के क्षेत्र में सभ्यता, सभ्यता यानी संस्कृति के सभी अंग अपने विकास के चरम बिंदु तक पहुंच चुके हों। अविकसित, अल्पविकसित या विकासमान जो सभ्यताएं हैं वे क्लासिकल साहित्य को जन्म नहीं दे सकती। इसलिए उन्होंने साहित्य में परंपरा का समर्थन किया, क्योंकि वे चाहते थे कि क्लासिकल साहित्य की रचना हो। दूसरा बिंदु, इलियट का मत था कि किसी भी लेखक की भाषा तब तक प्रौढ़ता प्राप्त नहीं कर सकती जब तक कि उसके पूर्ववर्ती लेखकों ने उसकी भूमिका तैयार न की हो। यहां भी परंपरा हो गई, क्योंकि वे मान रहे हैं कि कोई भी भाषा क्रमिक रूप से ही विकसित होती है। अगर भाषा की एक दीर्घकालीन परंपरा चली आ रही है तो भाषा का स्वरूप तो बदलेगा ही, साथ ही साथ वो विकसित होकर अपने प्रौढ़ रूप को भी प्राप्त होगी। प्रौढ़ रूप को प्राप्त होने का मतलब क्या है कि वे कवि के या रचनाकार के या साहित्यकार के सभी प्रकार के भाव बिंदुओं को अभिव्यक्त करने में सक्षम होगी। तीसरी बात, क्लासिकल साहित्य किसी एक प्रतिभाशाली के प्रयत्नों का नहीं अपितु एक समूची साहित्यिक परंपरा के प्रयत्नों का प्रतिफल है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक एक साहित्य की दीर्घकालीन परंपरा नहीं होगी, उसका पूरा एक विकास क्रम नहीं होगा, तब तक एक क्लासिकल रचना या क्लासिकल साहित्य का सृजन नहीं किया जा सकता। ये तीनों बिंदु इलियट के परंपरा के सिद्धांत के महत्वपूर्ण अंग हैं, उनकी विशेषताएं हैं, इन्हें आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न, इलियट के अनुसार प्रौढ़ता की धारणा में शामिल है अतीत के प्रति आलोचना का भाव, वर्तमान के प्रति विश्वास का भाव, भविष्य के प्रति सजग संदेह का भाव और उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों डी विकल्प यहां भी बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि प्रौढ़ता में हमने दो तरह की प्रौढ़ता की बात की थी, जिसको इलियट ने बताया, मस्तिष्क की प्रौढ़ता और भाषा की प्रौढ़ता। तो जो मस्तिष्क की प्रौढ़ता है उसमें ये तीनों बिंदु इलियट ने शामिल किए। अतीत के प्रति आलोचना का भाव से मतलब क्या है, जो कुछ भी पुरानी परंपराएं हैं हमारी, हम उनको आलोचना की दृष्टि से देखें, उनका अंधानुकरण नहीं करना है। भले ही इलियट परंपरावादी थे, परंपरा के समर्थक थे, लेकिन वे परंपराओं को आंख बंद करके स्वीकार करने में विश्वास नहीं करते थे। उनका कहना था कि हर परंपरा को आज के संदर्भ में उसका मूल्यांकन, उसका आकलन करना जरूरी है, ताकि हम ये जान सकें कि ये परंपराएं जिनको हम अपने जीवन का अंग बनाने जा रहे हैं, ये हमारे जीवन के लिए कितनी आज के संदर्भ में उपयोगी हैं, और यदि अनुपयोगी हैं तो हमें उन्हें त्याग देना चाहिए या उनके स्वरूप को समय के अनुसार परिवर्तित कर देना चाहिए। इसलिए अतीत के प्रति आलोचना का भाव यानी परंपराओं के मूल्यांकन का दृष्टिकोण, वर्तमान के प्रति विश्वास यानी हम जिन परंपराओं को अपने जीवन में स्वीकार कर रहे हैं, इस विश्वास के साथ स्वीकार करें कि वे हमारी प्रगति के पथ का की साधक बनेंगी, बाधक नहीं बनेगी। तीसरा, भविष्य के प्रति सजग संदेह, जागरूकतापूर्ण संदेह का मतलब क्या है कि यदि हम, दोस्तों ये मनुष्य का स्वभाव होता है कि यदि उसका भविष्य बिल्कुल निश्चिंत है तो वो क्रियाशील होगा ही नहीं। तो भविष्य के प्रति हमेशा एक शंका का, एक संदेह, सजग जागरूकतापूर्ण संदेह का भाव रखना है, ताकि हमेशा हर स्थिति के लिए व्यक्ति स्वयं को तैयार रख सके और आगे बढ़ सके, अपने सृजन कर्म को आगे बढ़ा सके। तो इन तीनों बिंदुओं पर इलियट ने बल दिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न, इलियट ने महान कवि और क्लासिक कवि के कवि में क्या अंतर माना, कवि मैं कर लेंगे इसको, मैं क्या अंतर माना। पहला, महान कवि केवल एक काव्य रूप का पूर्णतम उपयोग करता है और उसे विशिष्ट बनाता है, जबकि क्लासिकल कवि संपूर्ण भाषा को चरमोत्कर्ष तक पहुंचाता है। बी, महान कवि नैतिक काव्य सृजन कर समाज का मार्गदर्शन करता है और क्लासिकल कवि व्यावहारिक जीवन की सीख देता है। सी, महान कवि का लक्ष्य महान काव्य का सृजन करना होता है और क्लासिकल कवि एक लोक कल्याणकारी काव्य रचता है।
डी महान कवि का प्रयोजन अपनी महानता का प्रतिपादन करना होता है, और क्लासिकल कवि का प्रयोजन सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना करना होता है। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। महान कवि और क्लासिकल कवि में इलियट ने जो महत्वपूर्ण अंतर माना वो ये था कि उनकी दृष्टि में महान कवि वो कवि है जो किसी भी एक उत्कृष्ट रचना का निर्माण करता है, सृजन करता है, लेकिन क्लासिकल कवि वो है जो अपने सृजन, अपने रचना कर्म के द्वारा न केवल समाज को अच्छी रचनाएं देता है बल्कि भाषा को विकास के चरम बिंदु तक भी पहुंचाता है। तो ए को उन्होंने, ए इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि महान कवि और क्लासिकल कवि में उन्होंने यही अंतर माना। तो आंसर हुआ ए। अगला प्रश्न, इलियट ने उत्कृष्ट आदर्श भाषा में निम्न में से किसे शामिल नहीं किया? शब्दों में स्पष्टता, सहजता, निरंतर सजगता, अभ्यासशीलता, शब्दों में प्रतीकात्मकता, सांकेतिकता का अधिक प्रयोग, और डी नए भाषिक प्रयोग। तो दोस्तों हमने बात की थी कि शास्त्रवाद में इलियट ने क्या शामिल किया, मस्तिष्क की प्रौढ़ता और भाषा की प्रौढ़ता। अब प्रश्न ये है कि वो जो भाषा की प्रौढ़ता की उन्होंने बात की, उसमें आदर्श भाषा का जो स्वरूप उन्होंने बताया उसमें कौन कौन से बिंदु उन्होंने अनिवार्य माने, इनमें से एक बिंदु ऐसा है जो उन्होंने भाषा में नहीं माना, तो हमें उसी बिंदु का चयन करना है। तो ए शब्दों में स्पष्टता और सहजता, ये बिल्कुल उन्होंने आदर्श भाषा मानी, क्योंकि तभी भावाभिव्यंजक भाषा हो सकेगी और प्रभावशाली ढंग से कथ्य पाठकों तक पहुंच सकेगा। दूसरा निरंतर सजगता और अभ्यासशीलता, इसको भी उन्होंने महत्वपूर्ण माना। सजगता क्या है, किसके प्रति सजगता? शब्द प्रयोग के प्रति सजगता। शब्द प्रयोग के प्रति सजगता क्यों आवश्यक है? ताकि हम ये ध्यान रख सकें कि जिस भाव की अभिव्यक्ति हम करने जा रहे हैं, जो शब्द हम प्रयुक्त कर रहे हैं, वो उस भाव के अनुकूल है या नहीं है। इस तरह की निरंतर सजगता को उन्होंने अनिवार्य माना, क्योंकि तभी एक श्रेष्ठ भाषा, एक आदर्श भाषा में साहित्य सृजन हो सकता है। दूसरा, लेखन का निरंतर अभ्यास करने को पर उन्होंने बल दिया, लेकिन उन्होंने प्रतीकात्मकता और सांकेतिकता के अधिक प्रयोग पर बल नहीं दिया, क्योंकि वे सहज भाषा की बात करते हैं, एक स्पष्ट और भावाभिव्यंजक भाषा की बात करते हैं। तो यदि बहुत अधिक प्रतीकात्मकता और सांकेतिकता होगी दोस्तों, तो भाषा दुरूह और जटिल हो जाएगी और भावाभिव्यंजक नहीं रहेगी। इसलिए सी इस कथन, इस प्रश्न का सही उत्तर है। और हाँ, उन्होंने डी को अनिवार्य माना कि नए नए भाषिक प्रयोग कवियों को करने चाहिए, क्योंकि इन प्रयोगों के माध्यम से ही भाषा अपनी प्रौढ़ता तक पहुंच सकेगी। तो उन्होंने शब्दों में स्पष्टता, सहजता, निरंतर सजगता, अभ्यासशीलता और नए भाषिक प्रयोगों को आदर्श भाषा का महत्वपूर्ण बिंदु माना, लेकिन प्रतीकात्मकता और सांकेतिकता के अधिक प्रयोग पर बल नहीं दिया। तो आंसर होगा सी। अगला प्रश्न, इलियट ने अपनी किस कृति में पूर्ववर्ती काव्य सिद्धांतों को अमान्य घोषित किया? ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट निबंध में, ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट कविता में, ट्रेडिशन मस्ट बी फॉलोड निबंध में, या ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी कविता में। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। उन्होंने एक निबंध लिखा था, ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट। इसमें उन्होंने पूर्ववर्ती जो भी काव्य सिद्धांत थे जिनमें कवि को ध्यान में रखकर आलोचना की जा रही थी, उन सबको अमान्य घोषित किया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। अगला प्रश्न, इलियट के परंपरा और निर्वैयक्तिकता सिद्धांत के विषय में सत्य कथन है। इलियट आधुनिकता का प्रतीक होते हुए भी परंपरा की महत्ता के घोर समर्थक थे। इलियट परंपरा के अभाव में कवि को छाया मात्र मानते थे। इलियट के अनुसार परंपरा से अलग होना वर्तमान को छोड़ना है, और डी उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। परंपरा और निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत में इन तीनों बिंदुओं को इलियट ने महत्व दिया, यानी वे आधुनिकता के प्रतीक थे लेकिन फिर भी वे परंपरा के समर्थक थे। दूसरी बात, उनका कहना था कि जो कवि अपनी रचनाओं का सृजन करते समय अपनी परंपरा, अपनी साहित्यिक परंपरा का ध्यान नहीं रखते, वे वास्तव में एक क्लासिकल रचना प्रस्तुत नहीं कर सकते, बल्कि वे ऐसे कवि केवल कवि होने की छाया मात्र हैं, वास्तविक कवि है ही नहीं।
तीसरा बिंदु इलियट के अनुसार परंपरा से अलग होना, वर्तमान को छोड़ना है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अतीत के प्रति सजगता वर्तमान को क्या देती है, पहचान देती है, उसे सशक्त बनाती है। इसलिए वर्तमान का अस्तित्व का कारण ही वो अतीत को मानते थे, यानी परंपरा को मानते थे, इस बात को उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलेंगे। अगला प्रश्न है, इलियट ने एक श्रेष्ठ लेखक के लिए क्या अनिवार्य माना? जातीय परंपरा का ज्ञान और इतिहास बोध, पूर्ववर्ती कवियों की गहन जानकारी, समसामयिक परिवेश के प्रति सजगता, परंपरा का हर स्थिति में अनुकरण। तो ए इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि इलियट क्योंकि परंपरावादी थे, शास्त्रवाद के समर्थक थे, इसलिए उन्होंने कहा कि प्रत्येक लेखक के लिए, प्रत्येक साहित्यकार के लिए अपनी जातीय परंपरा का ज्ञान होना चाहिए और इतिहास बोध होना चाहिए। जातीय परंपरा का मतलब क्या है? हमारी जो साहित्यिक परंपरा चली आ रही है, उन सारी परंपराओं और हमारा जो रक्त संबंध से संबंधित जो समूह है, उसकी पूरी की पूरी परंपराओं का, उसके रीति रिवाजों का हमें पूरा ज्ञान होना चाहिए, ताकि हम अपनी रचना में उसे अभिव्यक्त कर सके। ये लेखक के लिए उन्होंने अनिवार्य माना। और दूसरा बिंदु, उन्होंने इतिहास बोध को अनिवार्य माना। इतिहास बोध की चर्चा हम आगे करेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। अगला प्रश्न, इलियट ने परंपरा शब्द में निम्न में से किसका समावेश नहीं किया? समुदाय के रक्त संबंध को व्यक्त करने वाले स्वाभाविक कार्यों का, रीति रिवाजों का, लोक कल्याणकारी कार्य या धार्मिक कृत्य। तो दोस्तों, सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि परंपरा शब्द में जो कुछ स्वीकार किया इलियट ने, वो है समुदाय, जिस समुदाय से व्यक्ति या साहित्यकार संबंध रखता है, उस रक्त संबंध को व्यक्त करने वाले जितने भी स्वाभाविक कार्य हैं, उन सबको उन्होंने परंपरा का अंग माना। उस समुदाय विशेष के जो रीति रिवाज है, उनको उन्होंने परंपरा का अंग माना, और जो धार्मिक कार्य संपन्न किए जाते हैं, उनको उन्होंने परंपरा का अंग माना, लेकिन लोक कल्याणकारी कार्यों को उन्होंने परंपरा का अंग नहीं माना, इसकी उन्होंने कोई चर्चा नहीं की। तो आंसर हुआ सी। अगला प्रश्न, इलियट ने परंपरा को गत्यात्मक माना, क्योंकि यह काल के साथ साथ विकसित होती है, यह सायास अर्जित तत्व है और इतिहास बोध इसका महत्वपूर्ण तत्व है, यह आधुनिकता का विरोध कर आगे बढ़ती है, यह नैतिक मूल्यों की स्थापना में सहायक है। तो परंपरा को गत्यात्मक क्यों माना इलियट ने? क्योंकि उनकी दृष्टि में ये सायास यानी प्रयत्न पूर्वक अर्जित किया गया तत्व है, क्योंकि इलियट मानते थे कि परंपराएं जो विकसित होती हैं, वे मनुष्य के कृत्यों के माध्यम से ही, प्रयत्न पूर्वक उसके द्वारा जो प्रयत्न किए गए हैं, उनसे ही आगे विकसित होती हैं, और इतिहास बोध इसका महत्वपूर्ण तत्व है। अब प्रश्न ये है कि इतिहास बोध शब्द फिर से आ गया है, तो यही मैं स्पष्ट कर देती हूँ कि हमारी बहुत सारी परंपराएं होती हैं, उन परंपराओं में से जो जीवन मूल्य ऐसे होते हैं जो हर समय, हर काल, हर युग में प्रासंगिक होते हैं, जो सनातन होते हैं, जो हमेशा शाश्वत जो जीवन मूल्य होते हैं, उनको, उनके लिए शब्द प्रयोग किया इलियट ने इतिहास बोध। तो आंसर हुआ हमारा बी। इलियट ने किसी भी युग की सांस्कृतिक चेतना में किन तत्वों का समावेश माना? सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक तत्व, भाव एवं बुद्धि तत्व, देश काल की सीमा में आबद्ध तत्व एवं शाश्वत सनातन तत्व, या प्राचीन एवं नवीन तत्व। तो दोस्तों, सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। किसी भी युग की सांस्कृतिक चेतना में इलियट ने दो तत्व महत्वपूर्ण माने। पहला, देश काल यानी जिस स्थान की वो संस्कृति है, उस काल में बंधे हुए जो तत्व हैं, यानी उनके रीति रिवाज आदि, और दूसरी बात, समय, जिस समय की वो संस्कृति है, उस समय के कारण उसमें जो तत्व उत्पन्न हुए हैं, वे तत्व, यानी स्थान और समय से जुड़े हुए जो तत्व हैं, उनको उन्होंने सांस्कृतिक चेतना में माना। दूसरी बात, शाश्वत और सनातन तत्व, जिन किसकी चर्चा हमने अभी इतिहास बोध में की, शाश्वत और सनातन तत्व क्या है? शाश्वत और सनातन तत्व वे हैं जो देश और काल की सीमा में बंधकर नहीं रहते,
बल्कि हर समय, हर युग, हर स्थान पर प्रासंगिक होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। वे शाश्वत और सनातन तत्व हैं और इनकी जानकारी रखने वाला ही, इनकी जानकारी रखने की प्रक्रिया ही इतिहास बोध है। ये आपको समझ लेना है। तो सांस्कृतिक चेतना में देश काल की सीमा में आबद्ध तत्व जो परिवर्तनशील होते हैं, और जो परिवर्तनशील नहीं होते तत्व हमेशा प्रासंगिक होते हैं, वो शाश्वत और सनातन तत्वों को इन्होंने सांस्कृतिक चेतना में समाहित किया। तो आंसर इस प्रश्न का हुआ सी। अगला प्रश्न, इलियट के अनुसार इतिहास बोध का क्या अभिप्राय है, इसकी चर्चा मैं कर चुकी। जातीय इतिहास की समग्र जानकारी होना, जातीय इतिहास का निष्पक्ष विश्लेषण करना, युगीन सांस्कृतिक चेतना में शाश्वत सनातन तत्वों की पहचान करना, या युगीन सांस्कृतिक चेतना में त्याज्य तत्वों की पहचान करना। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। युग की जो सांस्कृतिक चेतना है उसमें उन मूल्यों की तलाश करना जो शाश्वत और सनातन है, यानी हमेशा महत्वपूर्ण और प्रासंगिक रहने वाले हैं, वही इतिहास बोध है। आंसर हुआ हमारा सी। अगला प्रश्न, इलियट के अनुसार एक साहित्यकार का परंपरावादी होना अनिवार्य है क्योंकि वह अपनी परंपराओं को समझकर ही काव्य में स्थापित कर सकेगा, वह अपने लक्ष्य और अपनी कृति की प्रासंगिकता की जांच कर सकेगा, वह परंपराओं को समझकर ही समाज को दिशा दे सकेगा, या वह परंपराओं को समझकर ही ज्ञान का प्रसार कर सकेगा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, यानी लेखक इलियट ने एक लेखक, एक साहित्यकार के लिए परंपरावादी होना किस अर्थ में अनिवार्य माना? इस अर्थ में कि वो अपने लक्ष्य, यानी उसका लक्ष्य क्या है सृजन के मूल में, इसको पहचान सकेगा, और क्योंकि उसे परंपरा का ज्ञान है, जिस साहित्यिक परंपरा में वो अपनी कृति को जोड़ने जा रहा है उस साहित्यिक परंपरा का उसे ज्ञान है, तो वो साहित्यिक परंपरा के परिप्रेक्ष्य में अपनी कृति की प्रासंगिकता की जांच कर सकेगा, उसके महत्व का आकलन कर सकेगा, इसलिए उसका परंपरावादी होना अनिवार्य है। तो आंसर हुआ हमारा बी। अगला प्रश्न, इलियट के अनुसार किसी भी लेखक का सही मूल्यांकन किस प्रकार किया जा सकता है? साहित्यिक परंपरा की पृष्ठभूमि में, ज्ञान के धरातल पर, भाषिक प्रयोगों के आधार पर, भाषा एवं भाव के सामंजस्य की दृष्टि से। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अभी अभी हमने एक पिछले प्रश्न में पढ़ा कि परंपरावादी होना एक साहित्यकार के लिए अनिवार्य माना इलियट ने, क्यों? ताकि वो अपना मूल्यांकन कर सके। तो किसी भी लेखक का सही मूल्यांकन कब होगा? साहित्यिक परंपरा की पृष्ठभूमि में होगा। तो आंसर हुआ ए। अगला प्रश्न, वर्तमान के कारण अतीत में परिवर्तन होता है और अतीत के द्वारा वर्तमान निर्देशित होता है। आर, श्रेष्ठ कवि के कारण काव्य के नए मापदंड विकसित होते हैं। उक्त कथनों के विषय में संगत कथन है। ए, ए और आर सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। बी, ए और आर दोनों गलत हैं। सी, ए गलत है और आर सही है। डी, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। तो दोस्तों, ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि दोनों कथन अपने आप में इलियट के संदर्भ में बिल्कुल सही हैं, लेकिन दोनों कथन एक दूसरे की सही व्याख्या नहीं, यानी आर ए की सही व्याख्या नहीं है, यानी स्वतंत्र रूप से दोनों बिल्कुल सही हैं। देखिए, अब इन कथनों को समझ लेते हैं। वर्तमान के कारण अतीत में परिवर्तन होता है और अतीत के द्वारा वर्तमान निर्देशित होता है। वर्तमान के कारण अतीत में परिवर्तन कैसे होता है कि हम वर्तमान में जब अतीत की परंपराओं का मूल्यांकन करते हैं तो उन परंपराओं में से जो तत्व हमारे आज के लिए प्रासंगिक नहीं है उनमें परिवर्तन करते हैं। तो वर्तमान के कारण अतीत में परिवर्तन हुआ, अतीत के द्वारा वर्तमान, और क्योंकि अतीत की परंपराओं के परिप्रेक्ष्य में हम वर्तमान में उन परंपराओं का आकलन करते हैं, और जो कुछ हमारे लिए त्याज्य होता है, त्यागने योग्य होता है, उसे हम त्यागते हैं, इसलिए वर्तमान निर्देश होता है। ये बात यहां पर कही गई है, यानी परंपराओं के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान के मार्गदर्शन की बात की गई है। दूसरा है, श्रेष्ठ कवि के कारण काव्य के नए मापदंड विकसित होते हैं। वो कहते हैं, इलियट कहते हैं कि जो श्रेष्ठ कवि होते हैं वे अपनी परंपराओं का ज्ञान रखते हैं, साहित्यिक परंपराओं का, और उनके परिप्रेक्ष्य में उनको ध्यान में रखते हुए एक श्रेष्ठ काव्य का सृजन करते हैं और उसके कारण नए साहित्यिक मानकों की स्थापना करते हैं। तो दोनों कथन इलियट के संदर्भ में बिल्कुल सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या प्रस्तुत नहीं करता। तो ए कथन इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ ए।
अगला प्रश्न, निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए इलियट ने निम्न में से कौन सा मत प्रस्तुत किया? कवि का व्यक्तित्व और उसकी कृति दो भिन्न वस्तुएं हैं। काव्यगत भाव की सृष्टि के लिए सृष्टा द्वारा उसके भौतिक रूप का अनुभव करना अनिवार्य नहीं है। काव्य सृजन के समय साहित्यकार तटस्थ रहता है और काव्यगत भाव में व्यक्त विविध संवेदनाओं और अनुभूतियों में उसकी व्यक्तिगत अनुभूति नहीं अपितु सृजन की उत्कट प्रेरणा विद्यमान होती है। उपर्युक्त सभी। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए इन तीनों बिंदुओं पर बल दिया इलियट ने। निर्वैयक्तिकता शब्द को यदि हम समझेंगे तो निर उपसर्ग है, वैयक्तिकता एक शब्द है व्यक्ति से जो बना है और ता उसमें प्रत्यय लगा है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो इसके निर्वैयक्तिकता का अर्थ हुआ व्यक्तित्व से, अपने व्यक्तित्व से मुक्त होने की प्रक्रिया। तो इसलिए इलियट ने क्या कहा कि कवि का व्यक्तित्व और उसकी कृति दो अलग अलग बिंदु हैं, अलग अलग वस्तुएं हैं। यानी कवि के व्यक्तित्व का हूबहू अभिव्यंजन उसकी रचना में नहीं होता। बी, काव्यगत भाव की सृष्टि के लिए सृष्टा द्वारा उसके भौतिक रूप का अनुभव करना अनिवार्य नहीं। इसका मतलब है कि जो कुछ सृष्टा यानी सृजनकर्ता यानी साहित्यकार अपनी कृति में अभिव्यक्त कर रहा है, कोई जरूरी नहीं कि वो उसने स्वयं इस संसार में अनुभव किया हो। तो इसलिए इस बात को, क्योंकि वो अपने व्यक्तित्व में अपनी निजी जिंदगी को अभिव्यक्त नहीं करता, ऐसा मानते थे इलियट। तो दूसरा बिंदु भी सही है। तीसरा है कि जब कोई भी साहित्यकार सृजन करता है यानी किसी काव्य कृति की रचना करता है तो वो तटस्थ रहता है। तटस्थ किसके प्रति? अपने स्वयं के व्यक्तित्व के प्रति, यानी अपनी निजी संवेदनाओं, अनुभूतियों और अनुभवों को अपनी कृति में जाहिर नहीं होने देता, अभिव्यक्त नहीं होने देता, बल्कि उनसे तटस्थ रहकर निर्विकार भाव से, निर्वैयक्तिक भाव से, सृजन की प्रेरणा से प्रेरित होकर के वो सृजन करता है। और इन तीनों बिंदुओं पर बल दिया, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न, वह कला में अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं करता, वरन उसका दमन अथवा निषेध करता है, इस कथन से इलियट का क्या अभिप्राय है? ए, काव्य रचना व्यक्तित्व से मुक्त होने की प्रक्रिया है। श्रेष्ठ कवि स्वयं को वैयक्तिक भावों से मुक्त करके ही श्रेष्ठ काव्य की रचना कर पाता है। ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत के संदर्भ में इलियट का ये महत्वपूर्ण कथन है। उन्होंने दो बातों पर बल दिया निर्वैयक्तिकता में, कि काव्य रचना वास्तव में अपनी अनुभूतियों को, अपने भोगे हुए को अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि अपने व्यक्तित्व से मुक्त होने की प्रक्रिया है, क्योंकि अपने व्यक्तित्व से मुक्त होकर ही कवि सृजन करता है। दूसरी बात, एक श्रेष्ठ कवि अपने व्यक्तिगत, अपने निजी भावों से मुक्त होकर ही एक श्रेष्ठ काव्य की रचना कर सकता है। तो ए और बी दोनों कथन बिल्कुल सही है। तो आंसर हुआ सी। अगला प्रश्न, इलियट के अनुसार कवि अपने भाव सीधे सीधे पाठक के मन तक नहीं पहुंचा सकता, इसके लिए उसे कौन सा मार्ग अपनाना होगा? वस्तुगत समीकरण का मार्ग, सामूहिक सापेक्षता का मार्ग, सामाजिक निरपेक्षता का मार्ग, या साहित्यिक सामंजस्य का मार्ग? तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि इलियट का मानना था कि यदि कवि को किसी माध्यम की, अपने भावों की अभिव्यक्ति करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, तो वो कौन सा मार्ग है? वस्तुगत समीकरण का मार्ग, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के लिए सीधे सीधे प्रत्यक्ष रूप से पाठक के मन तक अपने भावों को पहुंचाना संभव है ही नहीं। तो ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसको अंग्रेजी में कहा गया है ऑब्जेक्टिव कोरिलेशन, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न, वस्तुओं, स्थितियों और घटनाओं की श्रृंखला को इस ढंग से समायोजित करना कि वे विशिष्ट संवेगों से संबद्ध होकर अभिव्यक्त हो सकें, अथवा वे बाह्य वस्तुएं विशिष्ट संवेगों को तुरंत आहूत कर सकें, इस कथन के माध्यम से इलियट ने किस सिद्धांत की ओर संकेत किया? ए, शास्त्रवाद का समर्थन, बी, परंपरा और निर्वैयक्तिकता, सी, वस्तुगत समीकरण का सिद्धांत, या डी, केंद्रीयकरण की प्रक्रिया। तो दोस्तों सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। ये पंक्तियां स्पष्ट करती हैं कि इलियट ने वस्तुगत समीकरण का सिद्धांत किसे कहा, उनकी दृष्टि में वस्तुगत समीकरण का क्या अर्थ है। इस कथन को एक बार फिर से समझ लेंगे। उनका कहना था
कि कोई भी सर्जक या कोई भी साहित्यकार अपनी रचना में जिन वस्तुओं, जिन स्थितियों और जिन घटनाओं को अभिव्यक्त करना कर रहा है, उनको इस प्रकार वो समायोजित करे, उनकी कड़ी इस प्रकार बनाए कि उसका सामंजस्य, उन सारी स्थितियों, घटनाओं और वस्तुओं का सामंजस्य उन्हीं के अनुकूल मनोभावों से हो सके, ताकि वे प्रभावशाली ढंग से पाठकों तक पहुंच सकें। इस बात को, इस सिद्धांत को उन्होंने कहा वस्तुगत समीकरण का सिद्धांत, यानी घटनाओं से जो भाव पात्र के मन में उत्पन्न हो रहे हैं वे भाव उन घटनाओं के अनुकूल होने चाहिए, ताकि अभिव्यक्ति कमजोर न पड़े, अभिव्यक्ति मजबूत रहे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न। तो दोस्तों, ये हुआ हमारा आज का सत्र। इसमें हमने चर्चा की इलियट के काव्य सिद्धांतों पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों की। उम्मीद करती हूँ कि ये सत्र आपके लिए बहुत 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 उपयोगी रहेगा और आपको इससे काफी मार्गदर्शन भी मिलेगा। अगले सत्र के इंतजार में रहिए। नमस्कार।